143 मार्क्स आउट ऑफ 150, जो कि एक इमेजिनरी या फिर हम कहें बहुत ही अलग स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है, मतलब शब्द नहीं है इसके लिए. मैंने पहले कभी 143 नंबर नहीं देखे सीटेट में किसी के. आपने देखे थे? अभी तक तो नहीं देखे. अभी तक तो नहीं देखे. बेसिकली आपने कोई ऐसा सोच के तो की नहीं होगी तैयारी कि 143 ही आएंगे. उस पर भी हम बात करेंगे कि तैयारी इनकी कैसी रही, कैसे 143 नंबर स्कोर कर पाए. और शुरुआत में तो मुझे भी थोड़ा विश्वास नहीं हुआ था, 141 नंबर मैंने लास्ट देखे थे और फिर 143 का अनुराग का मेल देखा. तो अपने आप में बहुत ही मतलब ये अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, और मैं इनसे जानूंगी, आपको भी ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की, कितने डिटेल में ये गए, कौन सी गलतियां नहीं की, मॉक टेस्ट कौन से लगाए, कोचिंग की कि नहीं की, कौन सा अटेम्प्ट था, क्या ये कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई अभी आप कर रहे हैं, और इनकी एज क्या है. तो ये सारे क्वेश्चंस का आप एक एक करके अगर अनुराग जवाब दे पाए. पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस और वेलकम है लेट्स लर्न पे, आप शेयर करेंगे लर्नर्स के साथ. थैंक यू सो मच मैम. तो मैम, जहाँ तक बात आती है कि मतलब इतना बड़ा स्कोर आया या इतना ज़्यादा मार्क्स आए, तो इसमें कि मतलब कैसे किया ये सब कुछ, या पहले से सोच रखे थे क्या कि 143 ही आएंगे या मतलब 140 प्लस ही आएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता है. तो इसकी ओपनिंग अगर की जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. बिल्कुल. इसका मतलब कोई भी बड़ा काम जो है वो एक दिन में नहीं होता है. बिल्कुल. तो उसके पीछे तो बहुत सारा परिश्रम है, हार्डवर्क है, ठीक है, अपनी जगह है वो चीज़ें, लेकिन फिर भी बेसिक्स मजबूत हैं. बेसिक्स मजबूत हैं, लेकिन फिर भी अगर जैसे दूसरों को रेप्लिकेट करना हो चीज़ों को, तो उसे एक वीडियो के थ्रू अगर हम बताना चाहें तो सत्यता के जो यथासंभव जो स्तर है वहाँ तक हम लोग बताएंगे. ठीक है. तो ये चीज़ शुरू होती है जब मैं डीएलएड करना शुरू किया 2018 में. अच्छा. तो 2018 में जब डीएलएड करना शुरू किए तो एक सेमेस्टर बीत गया, दूसरा सेमेस्टर आया ऑब्वियसली. तो तब धीरे धीरे चीज़ों से हम लोग अवगत होते हैं, क्योंकि नई रहती हैं चीज़ें, जो पहले पढ़ाई की थी और जो अभी पढ़ाई की थी, तो अभी चीज़ें नई हैं. बिल्कुल. तो पहले ही सेमेस्टर में बाल विकास का एक सिलेबस में है, तो बाल विकास हम लोग पढ़ते थे. पर चूंकि चीज़ें नई थी और कोई चीज़ जब नई ज्वाइन करते हैं हम तो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं. फिर ऐसा हुआ कि अब एग्जाम्स देने हैं, सुपर मतलब ये यूपी टेट देना है, सीटेट देना है, या जो भी है एलिजिबिलिटी टेस्ट. हाँ, यूपी से बेसिकली. तो हाँ, तो फिर ये हुआ कि जैसे जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो मैं बुक्स में दिखता था. और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो किताबें वहाँ मिलती हैं उसमें उतना डिटेल में नहीं आता है. यूपी डीएलएड की जो बुक्स हैं उसमें इतना डिटेल में नहीं होता था. तो मैं ऐसे ही मतलब एक दिन यूट्यूब पे अच्छा. थोड़ा सा ये है कि इंग्लिश में मैं सर्च किया, तो हो सकता है कीवर्ड्स या मैं लकी रहा हूँ, आपका वीडियो जो है उस पर शो कर गया. अच्छा. तो मैंने उसको देखा तो मुझे सेटिस्फाइंग लगा. अभी ऐसा मतलब इतना चार्मिंग नहीं था कि मैं यही इसी से जुड़ा रहूंगा या इसी से पढ़ूंगा, ये फाइनल है कि भाई यहीं से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ तो कोई पाबंदी भी नहीं है ना, आपने कोई फीस तो देनी है कि भाई इंस्टीट्यूट आ गए अब तो यहीं से पढ़ना है. तो फिर उस टाइम पे और भी चैनल हुआ करते थे, मैं देखा ऐसा. लेकिन मेरा जो अपना है पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता या मैं सजेस्ट भी नहीं करता कि आप यहीं देखें, आप एक दो बार ट्राई दे सकते हैं खुद, जैसा मैंने किया. बिल्कुल. तो मुझे अच्छा लगा और मैं जुड़ा रहा. तो जुड़ने से ऐसा हुआ कि सीडीपी के बारे में जो इनसाइट्स हैं, जो मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लियर होने लगते हैं, आपको टूल्स की तरह से काम करते हैं, फिर आप आगे उस पर काम कर पाते हैं. तो ये अप्रोच रहा सीडीपी का. ठीक है. तो पहले तो वीडियोस वगैरह आपके, फिर उसके बाद धीरे 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 चीज़ें मजबूत होती गई. फिर ये हुआ कि जब एग्जाम्स आने लगे क्लोज, तो प्रीवियस ईयर पे जब हम बढ़ते हैं आगे, तो प्रीवियस ईयर को जैसे क्या होता है कि सारे लोग प्रीवियस ईयर सभी लोग करते हैं, आप भी अपने वीडियोस में जो है सजेस्ट करते हैं कि प्रीवियस ईयर करना है. लेकिन प्रीवियस ईयर करना तो है, बच्चे करते भी हैं, हम सभी लोग करते हैं. तो लोग ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर हो गया, हमने कर लिया. लेकिन अगर उसका करने का तरीका सही नहीं हुआ तो उसका कोई लाभ नहीं मिलना है आपको. बिल्कुल. तो मैं क्या करता था कि प्रीवियस ईयर करते समय अपने पास एक नोटबुक या एक व्हाइट पेपर रख लीजिए. ठीक है. उसके बाद जितने टर्म्स आपको नहीं आ रहे हैं उनको नोट कर लीजिए. ठीक है. जितने भी टर्म्स जिसके बारे में जिज्ञासा आपकी आती है उसको नोट कर लीजिए. और फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी को अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज से, जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में तो सीडीपी के लिए आपके वीडियोस तो मतलब इनविंसिबल हैं एकदम. थैंक यू. ऑसम है. तो वो वहाँ मोर देन इनफ कंटेंट मिल जाता है सब चीज़. इसी तरह से सारे सब्जेक्ट में यही अप्रोच रहता है कि जो चीज़ हम नोट डाउन करते हैं उसको जहाँ से भी संभव हो उसको क्लियर कर पाएं. ठीक है. तो ये एक अप्रोच रहा मतलब ओवरऑल तैयारी का. बाकी आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलरली क्या क्या. ठीक बात है. तो अनुराग, आप अभी कितने साल के हैं? 24 ईयर्स के हैं, यूपी से हैं, और डीएलएड आपकी जस्ट अभी खत्म हुई है ना 2020 में. तो आप ये बताइए कि जैसा कि आपने मुझे बताया अभी, तो मुझे याद आ गया कि इंग्लिश की भी आपने एक प्रॉपर पीडीएफ बनाई हुई है खुद से लिख के, सीडीपी के भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, और मतलब काफी सेल्फ स्टडी आपने की है. कोचिंग आपने कहीं से ली नहीं? नहीं, कोचिंग नहीं. तो उस केस में आप सीडीपी से हम अगर शुरुआत करें इस बात की, कि सीडीपी की जब आप तैयारी कर रहे थे तो कैसे की?
देखिए मैं हम लोग के बताने का ये उद्देश्य है कि जो आगे आने वाले लोग हैं वो उसको रेप्लिकेट कर पाएं, अपने जीवन में उसको उतार पाएं। बिल्कुल। तो सबसे पहला अप्रोच है एक बिगिनर के लिए कि आप प्रीवियस ईयर लेके बैठिए, पढ़ना शुरू करिए और फिर आप देखिए कि आप उस पेपर से कितना फेमिलियर हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको फेमिलियर नहीं लग रही हैं उनको नोट कर लीजिए, जिनको आप नहीं जानते हैं जानना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जाइए, विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, पुस्तकें हो सकती हैं, किताबें। उसके बाद आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, किसी भी ब्राउजर पे जा सकते हैं, वहां से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो अप्रोप्रिएट लगे उसको फॉलो करिए। ऐसा मैंने किया, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके वीडियो सरफेस हुए बिल्कुल यूट्यूब पे, उसके बाद मैं उसको फॉलो करने लग गया। ठीक है, सीडीपी का एक अप्रोच ये रहा। उसके बाद जो है दूसरा कि प्रीवियस ईयर्स मल्टीपल टाइम रिवीजन दीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक दृष्टिकोण डेवलप होता है कि एग्जाम किस तरह से हो रहा है। तो ये जो वीडियोस आपने सीडीपी के देखे थे, मैंने क्योंकि 2-3 कोर्स आई थिंक डाला हुआ है पूरे पूरे, तो उसमें नोट्स बनाए थे या फिर बार बार रिवीजन करके फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे? इसमें कुछ ऐसा था कि नोट्स तो मैंने ही बनाया था, लेकिन वीडियोस मैंने कुछ ऑफलाइन भी डाउनलोड कर लिए थे जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे, जो ऐसा होता था कि एकदम आत्मसात हो गए हैं, एसिमिलेट हो गए, तो उनको मैं नहीं डाउनलोड करता था। ठीक है, बाकी मल्टीपल टाइम रिवीजन। उसके बाद लास्ट में जब एग्जाम क्लोज आता है तो आप एक्सपर्ट सीरीज कराते हो क्वेश्चंस के थ्रू प्रीवियस ईयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या प्रीवियस ईयर आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन वहां क्या होता है कि एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलता है कि व्हाई दिस वन एंड व्हाई दिस वन इज नॉट द करेक्ट आंसर। बिल्कुल। तो ये वाला जो अप्रोच रहता है उससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम किस तरह से क्या अप्रोच रखेंगे कि सही उत्तर हम लगा पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि अब सारे लोग तो ये बता सकते हैं कि ठीक है आप प्रीवियस ईयर करो करो करो, लेकिन वहां ये पता चलता है कि किस आंसर को चूज करना है और किसको छोड़ना है। तो इससे एक इनसाइट डेवलप हो जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये सीडीपी बेसिकली आपकी लेट्स लर्न के थ्रू हो गई सही। हाँ। और बहुत सारे लर्नर्स के इवन जिनके 143 नहीं भी आए उनके भी 30 out of 30 बहुत आए सीडीपी में। मेरा ये कहना है कि सीडीपी के लिए लेट्स लर्न पे जो वीडियोस हैं वो मोर देन इनफ हैं, लेकिन आप फिर भी अगर जिज्ञासु हैं तो कुछ स्रोत हैं, जैसे मान लीजिए आप एनसीईआरटी को रिफर कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल इसलिए नहीं है कि ज्यादा पढ़ेंगे थोड़ा सा मिलेगा। हाँ। और यहाँ चीजें सॉर्टेड मिलती हैं सीधा सीधा, क्योंकि सीटेट का सिलेबस फिक्स्ड है ना, डिफाइंड सिलेबस। भाई ऐसा अनथीन सिलेबस हो तो फिर तो आप एनसीईआरटी पढ़ें, आप कोई पोजिशन पेपर पढ़ें या बहुत सारी चीजें पढ़ लें, आपको कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ लिमिटेड सिलेबस है, टॉपिक्स लिमिटेड है, और उसमें से भी प्रीवियस ईयर में से भी आप छान के अगर देखेंगे तो कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सीडीपी की बात हमने कर ली, आपने मेरे वीडियोस देखे, कुछ नोट्स जो आप बेसिकली नोट्स नहीं बनाए आपने, लेकिन आपने मल्टीपल टाइम्स वो वीडियोस देखे। हाँ। या जिनकी आपको रेफर करने की जरूरत पड़ती थी जिन वीडियोस को, उनको आपने कर लिया डाउनलोड। हाँ। और प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट कुछ आपने लगाए? मॉक टेस्ट तो नहीं कर सकते, आपका वो एक्सपर्ट सीरीज वाला जो है। अच्छा। रिवीजन और बाकी ऐसे कोई वर्चुअल मतलब मॉक्स नहीं दिया? नहीं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा फिर टाइम कैसे मैनेज हुआ आपका, मतलब आप पहले से एक्टिव थे? टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस तैयारी के दौरान या एग्जाम के दौरान? एग्जाम के दौरान। एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट का तो सबसे बड़ा रोल ये है कि जितना आप अभ्यास करे रहेंगे पहले, पूर्वानुभव आपके जितने अच्छे होंगे उतना ही आपका माइंड काम होगा। और अगर आप काम माइंड से एग्जाम में बैठते हैं तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। जहां आप हड़बड़ी में जाएंगे, हौच पौच होगा, वहीं आप फिर टाइम लूज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा, मैं एग्जाम में पर सेक्शन टाइम का एवरेज जो है नोट कर लेता हूँ पेपर पे पीछे। जैसे मैं सीडीपी किया, अगर 10 मिनट में कवर कर लिया तो मैं वहां पे +20 मिनट्स लिख देते हैं कि मेरे पास अब +20 मिनट का इज है। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अगला सेक्शन अटेम्प्ट करना शुरू करता हूँ। मान लीजिए उसके बाद मैथ का सेक्शन आया, मैथ्स में अगर मान लीजिए सपोज कि 30 मिनट का पूरा टाइम लग गया और बाकी का 20 मिनट ये भी लग गया, तो अब मेरे पास बचते हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो ये वाला काम हर सेक्शन के लिए हमने 30 मिनट डिवाइड किया हुआ है, ये मैं भी हर बार बताती हूँ, ये आपने भी अपना कोई भी अगर समझदार इंसान है वो समझ जाए। तो वहां पे मैं नोट करता रहता हूँ कि मैं कितना प्लस में जा रहा हूँ या कितना माइनस में जा रहा हूँ। लोग करते क्या है कि एक सेशन को अटेम्प्ट करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे देते हैं और फिर बाद में लगते हैं पश्चाताप करने की। हाँ, वो तो मैं लिख लेता हूँ उस चीज को, कितना बच रहा है या कितना जा रहा है लॉस। तो मतलब टाइम का आप अवेयर थे, कॉन्शियस थे टाइम के? हाँ, टाइम तो सबसे क्रूशियल है, क्योंकि आप चाहे कितना भी पढ़ के जाएं, अगर टाइम मैनेज नहीं करेंगे आप तो फिर चीजें वो अच्छी नहीं होने वाली। ठीक बात है। तो अनुराग ने बेसिकली ये बात हमें बता दी। अब हम बात करें, अगर हिंदी और इंग्लिश की पहले बात कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश में आपके सीडीपी में 30 out of 30 थे? सीडीपी में फर्स्ट पेपर में है 29 marks। हाँ। और सेकंड पेपर में है आपके 30 out of 30। हिंदी इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? हिंदी इंग्लिश में फर्स्ट पेपर में हिंदी में 29। अच्छा। और इंग्लिश में 28। ओके। सेकंड पेपर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसका भी रीजन है मैं बता दूंगा। बता दीजिए कोई नहीं। उसका रीजन ये है कि इंग्लिश वाले में तो ठीक है क्योंकि चीजें सच में गड़बड़ हुई थी, पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चन थे जो गड़बड़ हो गया। ठीक है। हिंदी वाले में क्या हुआ कि एक पैराग्राफ था जिसको मैं जिसमें एक फिजिकली डिसेबल्ड लड़की का वो पैराग्राफ आया था और मैं उसको इमोशनल ग्राउंड पे सॉल्व कर दिया और वो चीजें गलत। पेडागॉजिकल ग्राउंड की जगह एज अ टीचर उस चीज को देखने की बजाय वो हम उसको देख गए इमोशनली।
तो ये मैं सबसे अपील भी करूंगा कि अगर आप पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हैं तो जो वहां चीजें दी हैं उन्हीं के हिसाब से सोचिए, अपने इनपुट्स मत डालिए उसमें। और एसएसटी आपका उतना स्ट्रांग नहीं था पेपर 2 के लिए, और वो आपका फोकस भी नहीं था, आई थिंक। हां, फोकस ही नहीं था क्योंकि मेरा डीएलएड है तो 6-8 वाला हुआ है। बिल्कुल। तो इस केस में मतलब एक तो हमने ये सीखा कि एक क्वेश्चन से, एक स्टोरी से, वो जो इमोशनल ग्राउंड पे आपने सॉल्व किया उससे आपके 5-6 नंबर चले गए। दूसरा हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि आप मतलब दूसरी एक चीज मुझे ये बताओ आप कि आपने पैसेज और पेडागॉजी हिंदी इंग्लिश के कैसे तैयार किए। देखिए, हिंदी में सबसे तो पेडागॉजी का जो सेक्शन है प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, ठीक है, उससे क्या होगा, एक दृष्टिकोण बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको ज्यादा अगर और पढ़ना है तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे उसके डिटेल्ड सिलेबस पड़े हुए हैं, बिल्कुल, 6 वो 3rd to 5th के, ठीक है, या आप 8th तक भी देख सकते हैं, ठीक है, सभी क्लास के अलग अलग से पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां से ये आपको मिल जाएगा सीटेट के लिए पर्टिकुलरली कि वो लोग क्या दृष्टिकोण रखते हैं और उसके हिसाब से क्या आपको आंसर। तो एनसीईआरटी मतलब मेरी ये शुरुआत से, मेरी पहली वीडियो से यही बात है और मेरी जितने भी लोगों से आज तक बात हुई है, एनसीईआरटी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है सीटेट के एग्जाम में, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं कर पाती जो एनसीईआरटी को प्रीवियस ईयर से जोड़ नहीं पाते। हाँ। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी को पढ़ के प्रीवियस ईयर के साथ जोड़ना जरूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल, दिमाग में, है ना, ठीक है ये बात। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी आपकी पहले प्रीवियस ईयर, कितनी क्लास से कितनी क्लास तक? एनसीईआरटी तो ईवीएस के लिए हम पढ़े थे, ईवीएस के लिए 3 to 5, वो पूरा कंटेंट के लिए, ठीक है, और वो जो हम बता रहे हैं पेडागॉजी के लिए, हाँ हाँ, वो चीज जो है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है, अच्छा, डिटेल्ड सिलेबस, अच्छा, ठीक है, अच्छा, वो डाउनलोड करके उसको पढ़े। अच्छा, वेरी गुड, ये थोड़ी सी नई चीज बताई। हाँ। अनुराग ने, अनुराग एक और चीज बताओ कि हिंदी इंग्लिश में आप पैसेज भी है तो फिर पैसेज कैसे तैयार किया? पैसेज का एक है कि पैसेज, एक तो रीडिंग कंप्रेंशन आपका सही होना चाहिए कि आप पढ़ के समझ पाए चीजों, ठीक बात है, बिल्कुल, लेकिन उससे ज्यादा महत्व ये होता है कि आप पैसेज को अटेम्प्ट कैसे करते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पैरा पढ़ते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं एक एक करके, फिर कई बार पैरा पढ़ते हैं, क्वेश्चंस चूंकि आते रहते हैं उनको पैरा भूलता रहता है, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, एक रफ आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछा गया उसमें, मैं भी यही चीज सजेस्ट करती हूं। उसके बाद पैराग्राफ आप जब पढ़ रहे हैं तो अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, या कोई कोई वो आ जाता है, या फिर आपको लगे कि ये एक इंपॉर्टेंट सूचना आ रही है यहाँ पे, तो आप उसको अंडरलाइन कर लें या मार्क कर लें, ठीक है, ताकि अब उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपके टाइम बच जाता है, बिल्कुल, तो ये एक अप्रोच है। तो मुझे लगता है कि उसके प्रैक्टिस बहुत बड़ा खेल हो गया, आई थिंक, प्रैक्टिस भी है और प्रैक्टिस के साथ सही अप्रोच, सही अप्रोच, कितना भी प्रैक्टिस कर लेंगे और वही अप्रोच गलत रहेगा तो बार बार गलत हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश में आपने प्रीवियस ईयर से कुछ पैसेज तो प्रैक्टिस करके गए होंगे? इंग्लिश के कुछ पैसेज किए थे, हिंदी के नहीं किए थे, हिंदी के नहीं किए थे। बेसिकली ये हिंदी में, अगर जिनकी थोड़ी सी भी हिंदी ठीक होती है, हिंदी के पैसेज ठीक हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और नहीं तो फिर आप सीधा प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर उठा के। ग्रामर कोई अलग से पढ़ी थी? ग्रामर तो फिर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीटेट में उतना ही पूछता है तो वो है, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी हिंदी के लिए अगर कोई रेफरेंस बुक अगर जानना चाहे तो मैं उससे पढ़ता हूँ, एक पीएन पांडे की बुक है, अच्छा, अच्छी बुक है, अच्छा। तो वो पीएन पांडे पढ़ने का मतलब है कि आप सारे कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, अच्छा। एक ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, हिंदी के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक बुक? इंग्लिश के लिए अगर अंग्रेजी माध्यम से आप कंफर्टेबल हैं तो रेन एंड मार्टिन की आती है, और हिंदी मीडियम के लिए लूसेंट वाली भी ठीक ठाक है, अच्छी, ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, बट ग्रामर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि सीटेट के लेवल पे इंग्लिश ग्रामर ना ली जाए, और पेडागॉजी इंग्लिश की और हिंदी की भी, और साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन दोनों चीज़ों पे ध्यान रहे, है ना। और अनुराग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इनको पसीने भी आ रहे हैं गर्मी में क्योंकि फैन यहाँ ऑन नहीं है, बट ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस आप तक पहुँचे। और अनुराग, हमने बात कर ली 3 सब्जेक्ट की, इवन 4 सब्जेक्ट की, CDB की जो उन्होंने मेरे सेशंस देख करके तैयार किया, EVS की आपने NCERT की समरी भी लेट्स लर्न पे देखी होगी, हाँ बिल्कुल, और NCERT इन्होंने पढ़ी भी थी प्रॉपर। EVS का इनफैक्ट जो पहला PDF हम पढ़े थे आपके चैनल से मिला था, अच्छा, हाँ, वो 50 पेज का वाला, हाँ 44 पेज का एग्जैक्टली, और उसके बाद EVS का एक्सपर्ट सीरीज भी आई थी, और उस बार भी इससे पहले 2019 का जब हमने दिया था, अच्छा, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट, हाँ, तो उस टाइम पे 127 मार्क्स थे, 127, हाँ, दैट्स आल्सो अ ग्रेट स्कोर, हाँ, तो उसके बाद उस टाइम पे वहीं से सारा कवर हुआ था मेरा। इस बार जो एग्जाम से पहले एक्सपर्ट सीरीज पूरा, और चूंकि मैं गाँव में रहता था तो नेटवर्क वगैरह का इशू, तो डाउनलोड करके मैंने सारा देखा था उसको, और बाकी NCERT की बुक्स पढ़े थे 3 to 5, ग्रेट। तो बुक्स आपने पढ़ी थी, आपने जो नोट्स मैंने दिए हुए थे EVS के, वो भी पढ़े थे, कुछ सेशंस भी देखे थे, हिंदी इंग्लिश का आपने प्रैक्टिस या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा था, ग्रामर आपकी अच्छी थी, और पेडागॉजी आपने समझ लिया था जो आपने डिटेल्ड सिलेबस से NCERT की वेबसाइट से। मैथ्स कैसे किया? मैथ्स में फिर दो चीजें आ जाती हैं, एक कंटेंट का सेक्शन है और दूसरा जो है आपका पेडागॉजी का सेक्शन, ठीक है, ठीक है। ज्यादातर लोगों की कंप्लेंट इसी में है क्योंकि कंटेंट बहुत इजी आता है, और जो लोग मतलब ठीक है शुरू से वो कर लेते हैं, कर ले जाते हैं उसको 15 मार्क्स के, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई तो। लेकिन पेडागॉजी वाले में ऐसा कोई ऑथेंटिक सोर्स अब तक अवेलेबल नहीं है, अच्छा, तो उसका भी जो है मैं
मैथ्स का पेडागॉजी भी एनसीईआरटी का जो डिटेल्ड सिलेबस है वहाँ पे एक उन लोगों का अप्रोच है वहाँ मिला सिलेबस में, तो वहाँ से किया था। और कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे एक है टैप इन टीन माइंड्स करके, अच्छा, तो टैप इन टीन माइंड से मेरा जो मैथ्स के टीएलएम वाली चीजें हैं अच्छा वो क्लियर हो गई थी वहाँ से। ठीक है, और कुछ ये आप रेफर कर सकते हैं। हाँ, टैप इन टीन माइंड नाम से एक साइट है। और भी जैसे मैथ्स में एक और चीज है, जैसे उसमें बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जैसे काउंटिंग प्रिंसिपल जिसको कोई ध्यान नहीं देता है। सितंबर 2016 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, उसमें ऑर्डर इररिलेवेंस से क्वेश्चन आए थे, अच्छा, स्टेबल ऑर्डर से, ठीक है, इसके बाद वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, हाँ बिल्कुल आता है वो। हाँ, तो ये सारी चीजें जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आता है जो कि लोग इग्नोर करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको करना चाहिए, बिल्कुल, जैसे हायरार्की इंक्लूजन हो गया, तो उस चीज को हम कवर किए थे। तो इन्होंने एक वेबसाइट से पढ़ा मैथ्स पेडागॉजी, कोई बुक ली थी मैथ्स पेडागॉजी नहीं, पेडागॉजी का मतलब वो वेबसाइट पे पेडागॉजी नहीं है, टीएलएम का इनसाइट टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में बात हुई है। और आपने ये जो डिटेल्ड सिलेबस आप बता रहे हो, ये एक बार एनसीईआरटी की वेबसाइट पे पढ़ा हुआ, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे पढ़ा हुआ, फिर भी मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूंगा, हां जरूर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बात हुई, तो प्रैक्टिकल जो मैथ्स था वो आपका पहले से भी ठीक था और आपने प्रीवियस ईयर भी लगाए होंगे, है ना, और कोचिंग आपने कोई की नहीं है। दूसरी बात, सेल्फ स्टडी आपने की है, कितने दिन का प्लान बनाया था, कितने घंटे पढ़ाई की? प्लान तो ऐसा सच कुछ था नहीं, क्योंकि जैसे जैसे डीएलएड हम कर रहे हैं तो उसी में इन्वॉल्व हैं, पहले भी दे चुके हैं, ठीक बात, तो एक टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं, क्योंकि चीजें चल रही हैं कंटिन्यूअसली। अब इसमें प्लान के लिए और गोल के लिए ये होना चाहिए, लोग अक्सर गलती करते हैं, आपके गोल जो होते हैं वो रियल होने चाहिए, रियल गोल का मतलब जैसे, और प्लान जो होना चाहिए वो एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए दोनों चीजें, ठीक बात है। तो गोल में क्या है कि रियल गोल का मतलब ये हो गया कि जैसे ये लोग पूछते हैं कितने घंटे, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, गोल का मतलब कि आज ये थियरी मुझे कर लेना है और इतना पोर्शन ये कर लेना है, भाई एफिशिएंसी अलग है ना, हो सकता है मेरे 3 घंटे और आपके 1.5 घंटा बराबर, वही बात है, तो वहां पे आपको रियल गोल सेट करना है। प्लान्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप आज ऐसे इतने सारे गोल सेट कर दिए कि आज उसको प्रैक्टिकली आप कर नहीं सकते हैं, पर आप उन्माद में आकर के कर लिए, इमोशनल होकर कर लिए, तो वैसे नहीं हो, छोटे छोटे गोल्स बनाइए तो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए। उससे होता है, जैसे आप हम बात भी कर रहे थे, मैं आपसे शाम पूछ रही थी कि आप ये कह रहे थे कि इमोशनली हम कोई टॉपिक आपको बहुत पसंद आता है और आप पढ़ते चले जाते हैं, जैसे सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी मैंने पढ़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको पढ़ के, लेकिन वो अच्छा लगने तक ही सीमित है, वो एक नंबर में भी शायद कभी आई हो नहीं, तो उसका कोई महत्व है नहीं, तो इनपुट आउटपुट रेशियो भी देखना पड़ेगा, वही वही आपको ये भी देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर से या सिलेबस से कि इस टॉपिक की महत्ता कितनी है, जिसपे मैंने 2 दिन लगा दिए उसका कोई एक पॉइंट है कि नहीं है, क्योंकि अभी ये पेपर हमारा डीएलएड के नहीं है या बीएड के नहीं है जहां आपको 5 पेज लिख के आने हैं कि आपको बस कहानी बताओ हर चीज की, तो यहाँ थोड़ा सा हमें टू द पॉइंट स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वही एक उपाय है कि आप प्रीवियस ईयर को देखिए और वो पेरिफेरल्स, वो जो चार दीवारी है, वो डिसाइड करिए कि पेपर कहाँ तक पूछ रहा है और उसके अनुरूप ही पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो इसमें आपने कोई टाइम फ्रेम तो तय किया नहीं, टाइम फ्रेम और घंटे भी आपने कोई तय नहीं किया? नहीं। अच्छा, तो ठीक बात है, मतलब ये इसमें और कुछ कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप मतलब शेयर करना चाहें? अब सबसे बड़ी चीज़ें, 3 चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है, एक है आपका जिज्ञासु होना, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ऐसी देखें प्रीवियस ईयर करते समय या किसी चैनल पे या एग्जाम में ही, और जो आपको नहीं आती है उसके बावजूद आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, जानने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न हो रही है, तो वो एक गलत अप्रोच है, आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा। जिज्ञासा के बाद अगर जिज्ञासु हैं कुछ चीज खोज रहे हैं तो अभ्यास होना चाहिए, और अभ्यास के सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आ जाती है इसके बाद वह है कि आप स्वयं के प्रति ईमानदार हो। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप बस खुद से ये ना कह रहे हो, मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी, कई बार हम प्रीवियस ईयर कर लेते हैं 5-6 और हमने बस देख लिया है वो, ऊपर ऊपर से हमने बस काम निपटा दिया दिमाग में कि मैंने तो 5 लगा लिए, अब उसमें कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, मतलब उस पर ध्यान नहीं है कि उसके हम चारों ऑप्शन को एनालाइज करें प्रॉपर। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो यही है कि जैसे आप अपने प्रति जब ईमानदार होते हैं तो आपको प्रूव नहीं करना होता चीजों को, लोग जैसे सेट कर लेते हैं कि मुझे 130 प्लस लाना है, 120 प्लस लाना है, ऐसा कोई टारगेट था? ऐसा कोई टारगेट तो पहली बार भी नहीं था, दूसरी बार भी नहीं था, तो टारगेट का ना होना ये मतलब एक तरह से आजादी देता है कि आप थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंट खोल के खेल सकते हैं। हाँ, तो वहां पे ये है, जैसे एग्जाम में इस बार जाने के बाद स्थिति ऐसी थी कि अभ्यास की वजह से किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, अच्छा, कि अभी एग्जाम होने वाला है चाहे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मुझे इतना पता है कि मैं पास होने वाला हूँ, तो वहाँ हारने क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस किए प्रीवियस ईयर से, बट मॉक टेस्ट अलग से नहीं लगाया, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर आपने खूब प्रीवियस ईयर खूब किए। अच्छा, मैं एक और चीज इसमें बता देना चाहती हूँ, हो सकता है आपकी स्पीड इसलिए भी अच्छी हो क्योंकि आपने कुछ एग्जाम्स पहले दिए देते रहते हैं, कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आपको है, तो वो आपको एक फेमिलियर होना पड़ता है माहौल से, तो आप घर पे भी वो माहौल सेट कर सकते हैं, टाइमर लगाइए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, बिल्कुल, तो अगर आप मतलब रफली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन वो एग्जाम का
माहौल क्रिएट कर लीजिए। और दूसरा एक लाभदायक चीज ये हो सकती है कि अगर आप एग्जाम में काम माइंडेड होकर जाते हैं, शांत एकदम, अगर आपका दिमाग शांत है तो ये मान के चलिए कि आप ज्यादा स्कोर करने वाले हैं। बट वो शांत होता कैसे? वो शांत होने के लिए वही है कि आपका पूर्वानुभव कितना अच्छा है अपने प्रति, आप अभ्यास करते वक्त उसको जान जाएंगे, क्योंकि कोई चीज जब ऑल ऑफ सडन आ जाएगी एकदम से, इम्प्रॉम्प्टू आ जाएगी अचानक से, तो आप घबरा जाते हैं। और वहां पे मुझे ये पता था, जब आपको एक चीज है कि जब आपको हारने का डर नहीं है, जीतने की बहुत खुशी नहीं है, शांत अवस्था में बैठे हुए हैं, तो वहां पे क्या होगा कि आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो दूसरी बार जब मैं एग्जाम देने गया था तो ऐसी स्थिति थी कि मुझे पता था मैं पास तो हूँ। थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें आप करते हैं, मैं देख रही हूँ आज कई घंटे हो गए इनको आए हुए, तो मतलब मेरी बात बात हुई, मतलब क्या ऐसी कौन सी फिलोसफी पढ़ी है? इतना फिलोसफी नहीं है, सबका ये एक्सपीरियंस है, हाँ एक्सपीरियंस है। दूसरी बात यह है कि आप न चाह के भी फिलोसफिकल हो, मतलब सबको, सबके पास एक वो फिलॉसफी होती ही होती है। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई फिलॉसफी नहीं है, आप कहें कि हम किसी भी दर्शन में विश्वास नहीं करते हैं, तो उसका भी एक नाम है कि उसको अज्ञेयवादी कहते हैं। बिल्कुल। तो वो भी फिलॉसफी है। हाँ, तो सही। तो आप इसे भाग आउट ऑफ इंटरेस्ट आप चीजें काफी पढ़ते हैं, जो कि मैं देख रही हूँ आपकी भाषा में भी, बातों में भी, हिंदी की भी इनको काफी अच्छी नॉलेज है, मतलब हिंदी साहित्य की। या आपके लिए मैम अभी तो एक बात ही मतलब मुझे याद आ रही है कि मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। बिल्कुल। तो आपकी स्टोरी तो हम तब से देखते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे कब से देखना शुरू किया था वैसे आपने लेट्स रन को? मैं 2019 के अच्छा। मार्च और उसके आसपास। ओके। तो आपका अटेम्प्ट इससे पहले वाला वही होगा, दिसंबर 2019 वाला? हां 2019 वाला। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप, सही बात है, ठीक समझ में आ गया, मतलब आपको हो गया टाइम जुड़े, ये कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अनुराग, आपने बता ही दिया सारा एक्सपीरियंस, शेयर कर दिया है, अभ्यास प्रीवियस ईयर, एक माइंडफुल स्टडी कि आप बह ना जा रहे हो, वो टॉपिक्स भी करे ना जा रहे हो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, और अपने ऊपर विश्वास मुझे जो नजर आ रहा है, और स्वयं के प्रति ईमानदारी, ईमानदारी, क्योंकि आप किताब लेके बैठे हुए हैं और आप रात रात भर जग रहे हैं, और मतलब आपको पता है केवल आप बैठने के लिए बैठ रहे हैं, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, आपके गोल जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, बिल्कुल, तो वो समस्या है। बिल्कुल। अच्छा अनुराग, एक और चीज, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? अब हम कब मिल रहे हैं नेक्स्ट केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम देके, या कौन सा एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो अभी? सारे एग्जाम में मैम यही मैं कहना चाहूंगा कि हम अपना बेस्ट करते हैं। कुछ लोग जो है कमेंट्स में पहले भी पूछ रहे थे कि अब किस में टॉप करना है। अच्छा, तो बेसिकली अप्रोच ये है कि टॉप नहीं करना है। हाँ। टॉप ठीक है, क्योंकि ये चीजें लीनियर नहीं होती है, ये इरेटिक है, कभी अप कभी डाउन। मान लीजिए पर्टिकुलरली खूब अच्छे से तैयारी करके गए किसी एग्जाम में, और हो सकता है कि वहाँ चीजें अच्छी ना हो, लेकिन हम हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अपकमिंग जितने भी एग्जाम होंगे उनमें अच्छा करने का प्रयास करें। ग्रेट, बहुत बढ़िया, तो ऑल द बेस्ट। और मैं भी यही चाहूंगी कि ऐसा कोई बोझ लेके, कोई सर पे पिटारा लेके आप ना चलें कि अरे मेरे तो 143 दूसरों के लिए सिद्ध नहीं करना है। Exactly. अपने लिए आप अपनी लाइफ खुद जिएंगे, खुद एक्सपीरियंस करके चले जाएंगे। हाँ। और अगर आप प्रूव करने में रह गए तो फिर अच्छा, दूसरों को प्रूव करेंगे तो उसका काउंटर अटैक होगा, और जब आप स्वयं के लिए प्रूव करेंगे तो लोगों को अपने आप आंसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग, मतलब मैं ये अप्रोच फॉलो करती हूं वैसे। और फिर सबसे बड़ी बात, आप जो चाहते हैं वो करेंगे ना, मतलब प्रूव करने के लिए सैटिस्फाई नहीं कर पाएंगे ना सबको, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी स्थिति में। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब मैं यही चाहूंगी कि जितने भी लोगों के अच्छे नंबर आए, जितने भी लोगों के कम मार्क्स आए, जिनके एवरेज आए, जिनको जैसा भी लग रहा हो, आगे की तैयारी कीजिए। हम समाप्त कर देते हैं एक बार में, क्योंकि जो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किस सोर्स क्या चीज है, तो देखिए पहले किताबों में आ जाते हैं। सीडीपी के लिए आपकी एक बुक आती है, ठीक है, वो ले सकते हैं। अच्छा, ली आपने कभी? हमने आपकी बुक ली नहीं थी। अच्छा, लेकिन आपकी बुक जो आई थी, हाँ, हिंदी में माध्यम वाली नहीं आई कि आई थी वो इंग्लिश में? इंग्लिश में थी वो। हाँ, तो अगर इंग्लिश माध्यम के हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। हिंदी में आपने ही सजेस्ट किया था, तो उनकी किताब हालांकि हमने लिया था। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अधिक पढ़ना चाहते हैं, जितना आपके वीडियोस में उसे ज्यादा, हालांकि उसकी जरूरत है नहीं, मैं एकदम ट्रूली बोल रहा हूँ कि उसकी जरूरत नहीं है, अगर आपके वीडियोस सारे देखे गए तो आप बताइए, अरुण सिंह की एक बुक और एक एस के मंगल की बुक। हाँ, लेकिन जरूरत नहीं है, सीटेट के लिए जरूरी नहीं है, वो इनजस्टिस होगा। हाँ, बस सीटेट के लिए नहीं, सीटेट के लिए नहीं, क्योंकि आप ले लेंगे तो फंसे रह जाएंगे। बिल्कुल, वो बड़ी बुक्स हैं यार, 400-500 पेज की किताब है, तो कोई मतलब नहीं होता, लेने के बाद भी आप पढ़ेंगे नहीं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कैसी किताब उठा लो जो सीटेट के सिलेबस में लिमिटेड, प्रीवियस ईयर, हाँ, वीडियोस, और उसके बाद आपको जो चीजें नहीं आती है उनके पीछे पढ़िए किसी स्रोत, इंटरनेट से या कहीं से, पूरा करिए उनको, और प्रैक्टिस बार 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 बार। तो मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए हो जाता है कि आप जो 6-8 की बुक्स हैं उनको कर लें, या अगर उससे बेसिक कमजोर है तो थोड़ा नीचे भी चले जाएं। पेडागॉजी वाला वही एनसीईआरटी की वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है। पेडागॉजी तो एसएससी वगैरह के लिए 6-8 की एनसीईआरटी, एसएसटी के लिए पेपर 1 के लिए 3-5 की, और बाकी पेपर 2 के लिए 6-8 की आप कर सकते हैं, वही हाल है। और पेडागॉजी के लिए आप सभी सब्जेक्ट की पेडागॉजी के लिए अगर आपको एक अप्रोच लेना है कि कैसे करना है, तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है डिटेल सिलेबस, उसको उठा के पढ़िए, तो वो मैं शेयर भी कर दूंगी। तो थैंक यू अनुराग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।